राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की दहीसर तालुका अध्यक्ष में ममता शर्मा अजीत पवार के गट से अपने भुजबल साहब और समीर भाऊ के मार्गदर्शन में मैं महायुति का समर्थन कर रही हूं और पीयूष गोयल जी को जिताने के लिए मैंने संकल्प लिया है कि जब पीयूष गोयल जी यहां से जीत कराएंगे भारी मतों से और सामने वाले बंदे की विरोधी पक्ष का डिपॉजिट जब्त होगा तो मैं यहां 50 फुट का हनुमान जी का मंदिर बनवाऊंगी दहीसर में, जो मुंबई का प्रवेश द्वार है। वो 50 फुट का मंदिर का उद्घाटन पीयूष गोयल जी करेंगे, इसलिए मैंने उसकी संकल्प लेते हुए आज शुरुआत में मैंने उनको गदा दिया है जो उनकी निशानी है। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। और भगवान श्री राम अयोध्या में अब विराजमान हो गए हैं। 500 साल की हमारी जो ये प्रतीक्षा है पूरी हुई है, बड़ी राहत की सांस ली है हमने, क्योंकि तुलसीदास जी ने खुद अपने पंक्तियों में लिखा होगा, अपने भजन में लिखा है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज यानी कमल। 500 साल पहले कंज निशानी भगवान श्री राम की है जो तुलसीदास जी ने लिखी है कि जिनकी आंखें कमल हैं, जिनका मुख कमल है, जिनका हाथ कमल है और जिनके पैर कमल है, ऐसे श्री राम जी हैं और वो निशानी वालों को कमल को जिताना है। क्योंकि शिवाजी महाराज ने भी यही कहा था कि हमें जो ये डच पुर्तगीज और अरबी लोग, मुगल लोग और ये जो अंग्रेज आके हमारे भारत को लूट रहे हैं, इनसे बचाने के लिए हमें हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी है। और मोदी जी भी यही काम कर रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे जी का भी यही स्वप्न था कि राम मंदिर बने अयोध्या में, चाहे कीमत कुछ भी हो और 370 हटे, तो बस देशभक्ति की कोई कीमत नहीं है। जो कहते हैं कि 8,500 आएंगे, 1,00,000 खटाखट, हमारे देशभक्ति को कोई खरीद नहीं सकता है और हम देशभक्ति को बिकने नहीं देंगे। हमें नहीं चाहिए उनकी संपत्ति जो वो कब्जा खुद करते हैं। यहाँ मुंबई की आधी ज़मीनें तो FN दिनसा की कब्जा की हुई हैं, जो कांग्रेस की देन है। और ये वर्ल्फ बोर्ड क्या है, ये भी कांग्रेस का ही है। क्यों हमारी ज़मीनें, भारत की ज़मीन, बाहर की सीमाओं को तो छोड़िए, आप हमारे अंदर भारत की ज़मीनें कब्जा कर रहे हो। मुंबई की ज़मीन हो या अयोध्या का, राम का मंदिर तक आपने नहीं छोड़ा है। अडानी और अंबानी की बात तो छोड़िए, उनकी ज़मीन भी आप कब्जा करके बोलते हैं। वर्ल्ड बोर्ड के बारे में मैं बता दूं सबको, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुंबई जो है कोहली की ज़मीन है और कोहली का FN दिनसा जो इस पे राज करते हैं, इसके अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस का कनेक्शन है। इनकी ज़मीन हड़पने की इनकी पहले से बहुत पुरानी नीति है। 500 साल पहले जो ये लोग आए थे, मुगल लोग, तब से लेके आज तक वो वही सब काम कर रहे हैं। और मैं बहुत 10 साल से सुकून मिला है, 10 साल से असली आज़ादी हमें महसूस हो रही है कि हम चैन की सांस ले सकते हैं। इसलिए हनुमान जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी के राज में इस बार चैन से सो पाते हैं। पीयूष गोयल जी को बहुमत से हम विजयी बनाएंगे। जय श्री राम।